गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। अभी 11 बज चुका है। नहा धो के हो गए हैं रेडी। दीदी गई है खाना बनाने अपने रूम पे, तो अब उनको उसको लेके आऊँगा। खाना यहाँ छोड़ूंगा भाई के पास, उसके बाद उसको ऑफिस छोड़ूंगा। उसके बाद वहाँ थोड़ा सा काम है डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर से भी होके आएंगे। मेडिकल का कुछ काम है पापा का, तो पापा से बोले बस जाके बात करवाना है, उसके बाद आके मैं खाना खाऊंगा। तब तक भाई खाना खाते रहेगा, खा लेगा। इसके लिए अब भाई सुबह हो गया, 11 बज गया, अभी तक नहीं खाया है। ये चार्जिंग में लगा हुआ है भाई। इसको हाथ में भी कोई दर्द वर्द नहीं है वैसे, तो अब गांव जाएंगे, यहाँ का काम कंप्लीट करेंगे, गांव जाएंगे डायरेक्ट। तो गांव जाएंगे, फिर इसका एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद फिर लाऊंगा वो वापस से, तो डॉक्टर बताएंगे फिर कि प्लास्टर लगेगा या नहीं लगेगा, लगाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा करके उसी टाइम बताएंगे। तो मैं वो बोले थे कि 10 दिन के बाद ले आना करके, तो अब इसका एग्ज़ाम आ रहा है, तो मैं बोला कि सर मतलब 10 दिन में तो नहीं आ पाएंगे, गाँव जाना ही पड़ेगा, भाई का एग्ज़ाम है करके। तो फिर बोले कि चलो ठीक है, फिर मतलब 15-16 दिन तक रहेगा तो चलेगा, बोले काम बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब बस दीदी का कॉल आने का वेट है, उसके बाद जाएंगे अपन। तब तक इंतज़ार करते हैं, और क्या कर सकते हैं। कॉल करते हैं, सॉरी दीदी का कॉल आएगा, तब तक वेट करते हैं। तो गाइस, और एक बात कहना चाहूँगा कि मेरे वीडियो पे व्यूज़ तो आ रहे हैं पर सब्सक्राइब नहीं बढ़ रहे हैं यार, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। आपके एक सब्सक्राइब से अपन लोग को बहुत मोटिवेशन मिलेगा, तो अपने चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, एक सब्सक्राइब बस और कुछ नहीं। तो गाइस, अभी दीदी का फ़ोन आ गया है, तो जा रहा हूँ मैं उसके यहाँ टिफिन लेने के लिए, और उसको ऑफिस भी छोड़ना है, तो चलते हैं। और ये रहा स्कूटी पे जा रहे हैं, पहुंचते हैं दीदी के रूम। तो गाइस, अभी दीदी को छोड़ दिया उसका ऑफिस, तोरवा थाना ये रहा उनका ऑफिस, सामने में बहुत अच्छा मंदिर है ये रहा। तो अब चलते हैं, मेरे को जाना है बस स्टैंड, यहाँ से समथिंग 5 किलोमीटर दूर है, तो अब जाते हैं, पापा को काम है, डॉक्टर से बात करवाते हैं। तो गाइस, अभी पुराना बस स्टैंड आ गया हूँ, अभी यहाँ पे पापा का काम हो गया है, तो बात वत करवा दिया हूँ, तो बात तो बना नहीं शायद तक मेरे हिसाब से, बात कर रहे थे सुन के लगा कि नहीं कर पाऊँगा बोल रहा है। तो अब बैंक जाना है मेरे को, तो बैंक में जमा करता हूँ और सीधा चलता हूँ विकी के पास, क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं, अभी 12 बज गया है, 1 बजने को आया है। अब चलते हैं, डायरेक्ट मिलता हूँ रूम पे। तो गाइस, ये रहा रास्ते में अपना बिलासपुर का, बहुत अच्छा अच्छा आर्टिकल बना हुआ है यहाँ पे, सब तरफ बना हुआ है। और वो रहा सामने लीची, सामने आम भी है, तरबूज भी है। ये नेहरू चौक के पास वाला है ये, अगर कोई जान रहा है बिलासपुर में रहने वाला है। तो अब अपन चलते हैं, मेरे को वहीं पास में जाना है 2 किलोमीटर दूर, आधार कार्ड जो हार्ड कॉपी निकालना है, आधार कार्ड को मतलब कार्ड में बदलना है, वो पेपर में रहता है ना वैसा नहीं, एटीएम कार्ड टाइप। तो जाता हूँ फिर दिखाता हूँ बना कि नहीं बना, कैसे पता नहीं बनेगा कि नहीं बनेगा, बाकी सुना हूँ, अब देखते ही जाते हैं। तो गाइस, काम तो बना नहीं, आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं हुआ है, अब मैं फ़ोन नंबर तो दे दिया था पर पता नहीं कैसे मैं लिंक नहीं हुआ है। तो अब चलते हैं गांव वापस, तो कुछ कर तो नहीं सकते, अब गांव जाके वापस क्या बोलते हैं आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक करवाना पड़ेगा, तब जाके होगा। तो हो गया छोड़ो, चलते हैं वापस घर, खाना खाते हैं। तो गाइस, अभी जस्ट घर पहुँचा मैं, यहाँ पर मौसम ख़राब होना स्टार्ट हो गया, बहुत
तेज आंधी तूफान आने वाला है लग रहा है। अभी 3 बज गया है, क्या मुझसे खाना खाया, सुबह से भूखा था पर अभी 3:30 होने को आया, तो फिर भी से खाते हूँ, भूख तो लगी है। थोड़ा सा खा ले नाश्ता टाइप, अभी ज़्यादा खाने खाएगा तो रात को सकेगा नहीं खाने। अभी फिर दीदी को भी लेने जाना है, अभी मतलब 5 बजे तो बुलाएगी मेरे घर से। आंधी तूफान हो रहा है तो थमेगा तभी जाऊँगा दीदी को लेने के लिए। वैसे तो अब खाना खाते हैं और रेस्ट करते हैं, फिर जाएंगे दीदी को लेने। तो गाइस यहाँ का मौसम शाम के 3 बज रहा है पर आंधी तूफान आना स्टार्ट हो रहा है। अपना स्कूटी ये बगल वाले का, चल अंदर चल, हो गया आ जा, खाली पे रहा है देख तो बाहर, वैसे तो मैं भी खाली पे रहा हूँ। आ जा, क्या करेंगे, जस्ट अभी धो के लाया यार रात का चिकन। नहीं खाया चिकन, खराब हो गया होगा, कहाँ बचेगा। अरे सही है, अभी तक किसका बचाया हुआ है ये, पता नहीं मेरे को, तो पता ही नहीं, मैं सोचा ऐसे खाली। इसमें दाल, इसमें और ये रहा सब्जी चिंगरी, जिसको झींगा भी बोलते हैं, छोटा झींगा तो निकालते हैं, उसके बाद खाते हैं खाना। तो बस खाना पीना हो चुका है, अब थोड़ा एक्वेरियम में छेड़छानी करते हैं, लाइट चेंज कौन सा टाइट है, बस 3 ही मोड है, पूरा वाइट हल्का सा, ये अच्छा, वाह। मेरा सिटी थोड़ी ना सुन पाएंगे, मछली का काम होता है या नहीं होता है? चलते हैं यार, क्या पता पीछे से कोई टक्कर मार दे। चलते हैं दीदी को लेने, ज़्यादा दूर नहीं है, बस वही 3 किलोमीटर दूर है। ये आज मैंने टोपी भी लिया नया, 100 रुपये का है, बाल को प्रोटेक्ट करने के लिए डर्ट धूल से। तो चलते हैं, तो भाई सभी दीदी को लेने गया था, आ गई है, और ये रहा इसका ऑफिस, घर वाला है इधर सामने मंदिर, तो वो तो मैं दिखाया था, तो मस्त व्यू आ रहा है। तो अब चलते हैं घर, वैसे भी बहुत थक गए। तो दीदी को अपने हॉस्टल छोड़ दिया हूँ, वो खाना वाना बना के फोन लगाएगी तो फिर से जाऊँगा लेने उसको भी, और खाना बोल तो पर खाना बना रही है। तो मैं अभी बिक्की के लिए ये वाला चिप्स लाया हूँ, बेचारा घर में बैठा है, ये रहा हालत ख़राब हो जा रहा है इसके घर में बैठ बैठ के, घूमने वाला लड़का। गांव में तो गांव में एक दिन भी नहीं दिखता था अभी, तू अब दिख रहा है मेरा अभी कुछ। तो खाते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं, उसके बाद गाना सुन रहा है, सुन ले तो रेस्ट करेंगे, तो जाएंगे दीदी फोन लगाएगी, खाना बन जाएगा। तो बस दीदी को लेके आ गया हूँ अभी, साथ में वो झोले में खाना ले आए, तो खाना खाते हैं जल्दी से। अब रहा बात, आज पूरा बिलासपुर चक्कर मारा काम के लिए, पर एक थी भी काम पूरा नहीं हुआ, एक भी काम सही से नहीं हुआ, सब खत्म, आज कोई काम नहीं हुआ, बस ऐसे ही घूमना फिरना आ गया। तो अब खाते हैं खाना, तो गाइस खाना पीना हो चुका है, इधर दीदी भी खा ली, भाई भी खा लिया,
अभी ना हो गया 9 बज गया है, तो ब्लॉग को करते ही एंड। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पे नया तो सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।